डीएमसीएच के जीविका दीदी के किचन रूम का हुआ निरीक्षण। जीएनएम नर्सिंग स्कूल की सभी छात्राएं कर्मी एवं नर्मानों को अग्निशामक से संबंधित दिया गया प्रशिक्षण। दरभंगा में नवनियुक्त शिक्षकों को मिला नियुक्ति पत्र। दरभंगा के सीएम कॉलेज में स्नातकोत्तर राजनीतिक विज्ञान विभाग के सत्र 2021-22 के छात्राओं के विदाई समारोह का किया गया आयोजन। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्य विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर किया अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त ने छठ घाटों का लिया जायजा, शेष बचे कार्यों के लिए दिए सफाई कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश। एमएलएसएम महाविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के अवकाश प्राप्त विभागाध्यक्ष की असामयिक निधन होने पर शोक सभा का किया गया आयोजन। साठ दिनों से चली आ रही निशुल्क मिथिला पेंटिंग शिविर का हुआ समापन, 30 से अधिक महिलाओं को दिया गया प्रशस्ति पत्र। दरभंगा डीएमसीएच में मरीजों के लिए खाना बनाना एवं उनके बेड तक पहुंचाने का जिम्मेदारी जीविका दीदी को सौंपा गया था। आज उनके रूम के साफ सफाई एवं किचन रूम की गुणवत्ता खाने के साथ निरीक्षण करते हुए कोऑर्डिनेटर ने संतोष जाहिर किए। गौरतलब है कि 8 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर्जरी भवन का उद्घाटन करने आ रहे हैं, उसमें भी किचन की जिम्मेदारी जीविका दीदी को ही दी जाएगी। इसका स्टोर देखें, आटा वगैरह ये सब ढका हुआ है कि नहीं, सब्जी ताज़ा है कि नहीं, अभी कस्टम देखें कहाँ कहाँ सब्जी मंगाता है, एकदम हरा हरा सब्जी, हरी मतलब है काटने के समय में उसको काटने के बाद होता है कि नहीं साफ सफाई, जहाँ साफ करता है वहाँ कचरा जमा नहीं है, हम देखे हैं साफ सफाई साफ सुथरा है। एक एक आइटम देखे हैं आपके सामने में देखे होंगे, हम तो देखे भी नहीं आपको कि वो ताजी बना हुआ है, जरा कि रात में बच गया उसको रख गया एकदम इमरजेंसी। जीएनएम नर्सिंग स्कूल के सभी छात्राएं कर्मी एवं दरबानों को अग्निशामक से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। इस संबंध में प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर इंद्रमणि मिश्रा के द्वारा एक्सपर्ट टीम को बुलाकर उसका डेमोस्ट्रेशन भी दिखाया गया कि किस प्रकार से आगजनी होने पर अग्निशमन उपकरण का उपयोग कर आग पर काबू पाया जा सकता है। इस प्रकार का प्रशिक्षण नर्सों के लिए एवं सभी तरह के कर्मियों के लिए काफी उपयोगी होता है। दरभंगा प्रमंडल मनीष कुमार की अध्यक्षता में दरभंगा प्रेक्षागृह में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से दरभंगा जिले के प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा प्रेक्षागृह में उपस्थित आयुक्त दरभंगा प्रमंडल मनीष कुमार, जिलाधिकारी राजीव रोशन, अली नगर के विधायक मिश्री लाल यादव, जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी, दरभंगा नगर निगम के महापौर अंजू महारा, नगर आयुक्त कुमार गौरव, उप मेयर नाजिया हसन, जिला परिषद उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता देवी, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय निदेशक दरभंगा बज्र नंदन सिंह, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा के कर कमलों से लगभग 100 नियुक्त शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण किया गया तथा शेष नव नियुक्त शिक्षकों को शिक्षा विभाग दरभंगा द्वारा नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में इससे बड़ा बदलाव आएगा। जो रिक्त पद शिक्षकों के थे उसे रिकॉर्ड टाइम में बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा लेकर के पूरा किया गया है। पूरे देश पूरे राज्य में 1,20,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई, वहीं दरभंगा जिले में 8,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। आज समेकित रूप से उनका नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
गुरुवार को सीएम कॉलेज के सेमिनार हॉल में सत्र 2021-22 के स्नातकोत्तर राजनीतिक विज्ञान विभाग के छात्र छात्राओं के विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद मौजूद थे, जिन्होंने अपने संबोधन में कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा मानव संसाधन का केंद्र है। यह तभी विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनेगा जब यहाँ के हर व्यक्ति का दृष्टिकोण सकारात्मक होगा। इस ऐतिहासिक कॉलेज से अंतिम डिग्री प्राप्त कर छात्र केवल अपने या परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के लिए काम करेंगे। पीजी की डिग्री सिर्फ नौकरी प्राप्त करने के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की एक कड़ी के रूप में सिद्ध होगी। इस गुरुवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत के सभी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इनकी कुल 7 सूत्री मांगे थी जिसको लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन किए। वहीं दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी परिषद नई दिल्ली के आह्वान पर ये लोग नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे थे, जहां सभी ने मिलकर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं ये सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 3 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, जहां वे अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे। गुरुवार को दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव ने छठ घाटों का जायजा लिया, जहां उन्होंने 75% कार्य पूर्ण पाने पर शेष बचे कार्यों को लेकर सफाई कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं नगर आयुक्त ने मिर्जा खां तालाब, गामी पोखर, रायसाय पोखर, केएम टैंक, जेल पोखर, जिला स्कूल पोखर, मतरंजन पोखर का औचक निरीक्षण किया। साथ ही अन्य कई कमियां पाई गई जिसको लेकर नगर आयुक्त ने मौजूद सफाई कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए शेष बचे कार्यों को जल्द पूर्ण करने की भी बातें कही। तो वहीं छठ घाटों के जायजा लेने के दौरान नगर निगम के मुख्य अभियंता के साथ ही सहायक अभियंता एवं कई अन्य लोग भी मौजूद थे। एमएलएसएम महाविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के अवकाश प्राप्त विभागाध्यक्ष डॉक्टर विमल कुमार चौधरी का असामयिक निधन 31 अक्टूबर को हो गया। उनकी आत्मा की शांति के लिए कॉलेज परिवार की ओर से आज एक शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा की अध्यक्षता भौतिक विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी ने की। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर चौधरी का योगदान महाविद्यालय परिवार के लिए अविस्मरणीय है। इस अवसर पर NSS पदाधिकारी डॉक्टर सुबोध चंद्र यादव ने कहा कि डॉक्टर चौधरी हम लोगों के साथ 40 वर्ष तक रहे। वह मृदुभाषी एवं मिलनसार व्यक्ति थे। वार्ड नंबर 4 के परमेश्वर चौक बेला में 60 दिनों से चली आ रही निःशुल्क मिथिला पेंटिंग शिविर का समापन हो गया। तो वहीं समापन कार्यक्रम के दौरान वार्ड पार्षद भी मौजूद थे, जिन्होंने प्रशस्ति पत्र देते हुए अपनी बातें कही। मिथिला पेंटिंग आज विश्व विख्यात हो चुकी है और अगर इसको करियर के रूप में महिलाएं अपनाती है तो प्रसिद्धि के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त बन सकती है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं मौके पर प्रशिक्षिका रश्मि देवी भी मौजूद थी।